21वें श्लोक का शंकर भाष्य, बाह्यस्पर्शेषु, इसी व्याख्या कर रहे, बाह्यस्पर्शेषु माने बाह्याश्चते स्पर्शाश्चिति बाह्यस्पर्शाः। स्पर्श क्या लेना, तो इंद्रिय का विषय, कहते नहीं, स्पृशन्ति स्पर्शाः शब्दादियो विषयाः, शब्दादि सारे विषयों को यहाँ स्पर्श से कह दिया गया। तेषु बाह्यस्पर्शेषु आसक्त आत्मा अंतकरण यस्य, उन विषयों में आसक्त नहीं है, सक्त नहीं है आत्मा माने अंतकरण जिसका, उन्हें कहा जाता है बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा। यस्य स्वयं असक्तात्मा विशेष प्रीति वर्जित सन, कहने का तात्पर्य विषयों में प्रीति से रहित हो करके, विन्दति लभते, ऐसे व्यक्ति लाभ करता है। क्या लाभ कर रहा है? आत्मनियत सुखम तद विन्दति त्यतत, आत्मा में जो सुख स्वरूप है वो प्राप्त करे, अक्षय सुख है वो प्राप्त करेगा। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्मणी योग है इति ब्रह्म योग, योग मैंने समाधि इति ब्रह्म योग, ब्रह्म में ही समाहित है चित्त जिसका, उसको कहते ब्रह्म योग। तेन ब्रह्म योगे नियुक्त, उस ब्रह्म योग से युक्त है जो समाहित तस्मिन् व्याप्रत, मैंने आत्मा चिंतन ब्रह्म चिंतन में निरंतर व्यापृत है, व्यवहृत है मन जिसका, अर्थात आत्मा के यहाँ भी शब्द है अंतकरण, अर्थ लेना अंतकरण यस्य स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अष्टुते प्राप्नोति इत्यर्थः। अक्षय मैंने अविनाशी सुख को वह प्राप्त करता है। तस्मात् बाह्य विषय प्रीतेः क्षणिकायाः इंद्रियाणि निवर्तेदिति, इसलिए साधक मुमुक्षु का काम क्या है, कहते वायु जो विषय प्रीति है क्षणिक सुख प्रदान करने वाली है उस इंद्रियों को निवृत्त करना चाहिए, और आत्मनि अक्षयम सुखार्थी इत्यर्थ, जो आत्मा में अक्षय सुख को चाहने वाला है उसे कर्तव्य है वायु विषय सुख से निवृत्त होना पड़ेगा, विरक्त होना पड़ेगा। संक्रांति टीका, वायु स्पर्शेश्वति यह आत्मतत्वज्ञ, जो आत्मतत्व का ज्ञाता है आत्मतत्वज्ञ हैं वह स्वयं स्वयं कैसे रहे, बाह्य स्पर्शेशो मूढ़ैर आत्मनो बहिरेव कल्पिता इति बाह्या, मूढ़ों के द्वारा आत्मा से भिन्नत्व नहीं कल्पित है संसार, मैं अलग हूँ और मेरे संसार अलग है, ऐसे मूढ़ लोग आत्मा से बहिर कल्पना कर लेते हैं विषयभूत संसार को, और इंद्रिय ही स्पृश्यंते गृहियंते स्पर्शः, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं जो, उन्हें विषयों को इसलिए स्पर्श कहा जाता है। बाह्याश्च ते स्पर्शाश्च तेषु बाह्य स्पर्शेषु शब्दादिषु, उन बाह्य स्पर्श अर्थ शब्दादि विषयों में तज्जन्य सुखेषु च तज्जन्य सुखों में भी तुच्छत्व बुद्धिया, तुच्छत्व बुद्धि एक, और दूसरा बंधकत्व बुद्धिया च, ये सब मेरे बंधन के कारण है, ऐसी बुद्धि से असक्तो अप्रवृत्तः आत्मा मनो यस्य सो असक्तात्मा, ऐसे अंतकरण है जिसका मन है जिसका, जो इन विषय में कभी आसक्त नहीं होता, ऐसा होकर तीव्र वैराग्येण मनसा विषय ग्रहणम अकुर्वन, तीव्र वैराग्य से मन के द्वारा विषयों को ग्रहण न करते हुए, गुहायां वा अन्यत्र रहसी समाहितो, अपने अंतरण रूपी गुहा में या अन्यत्र कहीं भी एकांत रहस्य मने एकांत स्थान में समाहित चित्वाल होकर भूतवा आत्मनि बुद्ध्यादि साक्षिणी, बुद्ध्यादि का भी जो साक्षी है ऐसे इस आत्मा में प्रत्येगात्मा में ही सदा साक्षात्कार करता हुआ, उस आत्मा का ही साक्षात्कार करता हुआ, यत् सुखम आत्म साक्षात्कार संभूतम, आत्म साक्षात्कार से उत्पन्न होने वाला जो अक्षय सुख के उसको प्राप्त करता है, विन्दति अनुभवति इत्यर्थः। सैव ऐसा जो व्यक्ति होगा उसी को हम कहते हैं ब्रह्मविद, ब्रह्मयोग युक्त आत्मा, ऐसा जब ब्रह्मविद है वही ब्रह्मयोग युक्त आत्मा है। नाम रूप ग्रहणम
ಅಕೃತ್ವ ಚಿದಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯ ಬೈರಂತ ಸರ್ವತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನಾಂ ಚಿದಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಸೇ ಹಮೇಶ ಭೀತರ್ ಬಾರ್ ಸರ್ವತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರತಾ ಹಿ ಅನುಭವ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕಾ ದರ್ಶನ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗ ತಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗೇ ತಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ ಮೇ ಸರ್ವತ್ರ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ದರ್ಶನ ಏವ ಯುಕ್ತ ಸರ್ವತ್ರ ಸದಾ ಬ್ರಹ್ಮ ದರ್ಶನ ಸೇಜ ಯುಕ್ತ ನಿಯಮಿತ ರೂಪೇಣ ಯುಕ್ತ ಕಂತ ಕೌಣ ಯುಕ್ತ ವಾ ಆತ್ಮ ಮನೋ ಯಸ್ಯ ಅಂತಃಕರಣ ಜಿಸ್ಕಾ ಸ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ ಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಐಸೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋ ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಐಸಾ ಹೋಕರ್ ಸನ್ ವಿತ್ಥಾನ ಅವಿತ್ಥಾನ ಯೋ ವಿತ್ಥಾನ ಅವಸ್ಥಾ ಹೋ ಚಾಹೆ ಅವ್ಯುತ್ಥಾನ ಅವಸ್ಥಾ ಹೋ ದೋನೋ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇ ಸದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಆನಂದೈಕ ರಸಂ ಸದಾ ಆನಂದೈಕ ಘನಸ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೋ ಹಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ಪಶ್ಯನ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾತ್ಮಕ ಅನುಭವ ಕರ್ತೆ ಹೋವೆ ತತೋ ಅಧಿಕತರಂ ಅಕ್ಷಯಂ ಸದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಆನಂದೈಕ ರಸಸ್ಯ ಉಸ್ಸೇ ಭಿ ಅಧಿಕತರ್ ಕೋಯ್ ಅಕ್ಷಯ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಆನಂದ ಸರ್ವತ್ರ ಆನಂದೈಕ ರಸ ಕಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾ ಸ್ವರೂಪ ಹೈ ಉಸ್ಸೇ ಭಿ ಅಧಿಕ ಅನ್ಯತ್ರ ಕಹಿ ಕುಚ್ ಉಸ್ಕೋ ನಹಿ ದಿಖ್ತಾ ಹೈ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತೇರ್ ವಿಷಯತ್ವಾದ್ ವಿಚ್ಛಿತ್ತಿರಹಿತಂ ಸುಖಂ ಬುದ್ಧಿವೃತ್ತಿ ಕಾ ಭಿ ವಿಷಯ ಹೋ ಜಾನೆ ಸೇ ಬಾಕಿ ಸಬ್ ಸುಖ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ವಿಚ್ಛೇದ ಯುಕ್ತ ಹೋತಾ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಬುದ್ಧಿ ತದಾಕಾರ ಕೋ ಹಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋ ಗಯಿ ಅತೇ ವಿಚ್ಛೇದ ರಹಿತ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಸುಖಂ ಸ್ವರೂಪಾನಂದಂ ಅಷ್ಟುತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಸುಖ ಸೇ ಲೇನಾ ಹೈ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಕೋ ಹಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ ಲೇತಾ ಹೈ ಸರ್ವತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ ಪರೋ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯತಿ ಹಿ ಸರ್ವತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ಕೋ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಕರ್ನೆ ಕ ಸ್ವಭಾವ ವಾಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯತಿ ಹೇ ಸದಾ ಆನಂದೋ ಭವತಿ ಸದಾ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಅತ್ರ ಅಯಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾ ಕಹನೆ ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಬತಾ ರಹೆ ಗುಹಾದೌ ರಹಸಿ ಸಮಾಧಿಂ ಕುರುವಂತ ಸಮಾಧಿ ಕಾಲ ಏವ ಆತ್ಮ ಆನಂದ ಅನುಭವ ನತು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಜೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗುಹಾದಿ ಮೇ ಏಕಾಂತ ಜಗೋ ಮೇ ಜಾ ಕರ್ಕೆ ಯದಿ ವ ಸಮಾಧಿ ಲಗಾಕೆ ಬೈಠಾ ಹುವ ಹೈ ತೋ ಸಮಾಧಿ ಕಾಲ ಮೇ ಹಿ ವ ಆತ್ಮಾನಂದ ಕಾ ಅನುಭವ ಕರೇಗಾ ವಿಚಿತ್ ಕಾಲ ಬಾಹರ್ ಆ ಗಯಾ ತೋ ಫಿರ್ ಸಂಸಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಚಲೇಗಾ ಉಸ್ಕಾ ಯೇ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ ನತು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವತ್ರ ನಹಿ ಹೋ ಪಾತಾ ಯೇ ಅಂತರೇ ಏಕಾಂತ ಮೇ ಸಮಾಧಿ ಬೈಠನೆ ವಾಲಾ ಔರ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಮೇ ಈ ಅಂತರ ಬತಾ ರಹೇ ಹೈ ಏಕಾಂತ ಮೇ ಜೋ ಸಮಾಧಿ ಬೈಠನೆ ವಾಲಾ ಸಮಾಧಿ ಕಾಲ ಮೇ ಆತ್ಮಾನಂದ ಅನುಭವ ಕರ ರಹಾ ಹೈ ತದ್ ಭಿನ್ನ ಕಾಲ ಮೇ ನಹಿ ಹೋತಾ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗ ಯುಕ್ತ ಆತ್ಮನಸ್ತು ಆರ್ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗ ಯುಕ್ತ ಆತ್ಮ ಹೈ ಜೋ ಬಹಿರಂತ ಸದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಭೀತರ್ ಬಾರ್ ಸಮಾಧಿ ಮೇ ಹೋ ಜಾಗೃತ ಮೇ ಹೋ ವಿಚ್ಛಿತ್ ಹೋ ಅವಿಚ್ಛಿತ್ ಹೋ ಸಭಿ ಅವಸ್ಥಾ ಮೇ ಭೀತರ್ ಬಾರ್ ಸದಾ ಸರ್ವತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಕೈ ಅನುಭವ ಕರ್ತಾ ಹೈ ನಿರರ್ಗಲ ನಿಷ್ಕಂಟಕ್ ನಿಷ್ಪ್ರತಿಬಂಧಕ್ ವಿನಾ ಕೋಯಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಸರ್ವತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅನುಭವ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಈ ಅಂತರೇ ದೋನೋ ಮೇ ये योग और वेदांत में अंतर है। योग का अंतिम ये योग समाधि काल में तो रहता है आत्मानंद तदा दृष्ट स्वरूपे वस्तानम इन बाकी बाहर आ गया तो वही गृहस्थी जैसे रहने लग जाता है। कारण क्या है? जीव ब्रह्म एकत्व के ज्ञान का अभाव, ज्ञान अभाव के कारण से होता है। और ज्ञान से जो समाधि है वो बात अलग है, उसमें सदा जागृत हो चाहे समाधि में हो या सुषुप्ति में रहेगा तो भी उसको सर्वत्र ब्रह्म अनुभव रहता है। जो सुषुप्ति का ही वो अधिष्ठान है वो उसका भी वो प्रकाशक है, सबका प्रकाशन कर रहा है, अतएव सदा और सर्वत्र ब्रह्मानंद का ही अनुभव होता है, ये अंतर होता है। टिप्पण निस्संगत्व विषदयति निर्द्वंद्वत्व के बाद दूसरे में है निस्संगत्व, उसको स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं बाह्य स्पर्शेषु इति ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವತ್ವಸ್ಯ ಇದಮ್ಮೇವ ಫಲ ಯತ್ ನಿಸ್ಸಂಗತ್ವ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವತ್ವ ಕೈ ಫಲ ಆಪ್ ನಿಸ್ಸಂಗ ಹೋ ಜಾಯಂಗೆ ಆತ್ಮಾನಂ ಚೇದ್ ವಿಜಾನೀಯಾದ ಅಯಮಸ್ಮೀತ್ ಪುರುಷ ಕಿಮಿಚ್ಛನ್ ಕಸ ಕಾಮಾಯ ಶರೀರಂ ಮನು ಸಂಜ್ವರೇತ್ ಬ್ರಜಾಂಡ ಪ್ರಸಾದ ಇಸ್ಲೇ ಕಹ ಏಕ ಬಾರ ಆಪನೆ ಜಾನ್ ಲಿಯಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಚೇದ್ ವಿಜಾನೀಯಾದ ಆತ್ಮ ಕೋ ಜಾನ್ ಲೇತಾ ಕೈಸೆ ಜಾನ್ ಲಾತಾ ಅಯಂ ಅಸ್ಮಿ ये जो मैं जो अभी तक जीव समझ रहा था यही वास्तव ब्रह्म है, इस अलग ब्रह्म कुछ नहीं है। अयम अस्मि इति पुरुष त
तब उसके बाद किम इच्छन, किसकी इच्छा से, किस कामना को लेकर के इस शरीर में दोबारा वो संबद्ध रहेगा, उन्हें नहीं रहेगा। वार्तिककार ने भी कहा है, आत्मानंद श्रुत साक्षात मानेन अविषयीकृत दृष्टानंदाभिलाषंस न मंदी कर्तुम अप्यलम। आत्मानंद जो श्रुतियों से द्वारा जानकर अनुभव किया है, साक्षात्कार कर लिया गया है, मन के द्वारा विषय किया हुआ नहीं है। मान मैंने प्रमाणों के द्वारा विषयीकृत नहीं है, प्रमाण किया इंद्रियादि प्रमाण है, इन प्रमाणों से विषयीकृत नहीं होता वह साक्षात अप्रोक्ष है। वो यह साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म सर्व प्रमाण निरपेक्ष स्वात्मानुभूति स्वरूपानुभूति होती है। इसलिए कहा जब माने न विषयीकृत दृष्टानंद अभिलाषंस, दृष्ट पदार्थों के आनंद की अभिलाषाएं जो थी वे कोई भी चीज़ उसको मंद करने में समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्ण आनंद है, बाकी जितने भी आनंद है उसके बूंद के बराबर है, वो उसको कहाँ से मंद कर देंगे। भारत च महाभारत भी का यच्च काम सुगम लोके यच्च दिव्यम महत् सुगम तृष्णाक्षय सुखस्य हिते नारद षोडशीं कलाम। जो कामना से जन्य सुख इस लोक में और द्युलोक में जो अपने पुण्य के प्रताप से प्राप्त महान सुख, ये सब के सब तृष्णा का क्षय से उत्पन्न जो आनंद है उसका एक कला के बराबर भी नहीं हो सकते। नारद षोडशीं कलाम अपि, 16 कलाओं में से एक कला के बराबर भी नहीं है। संसार भर के सकल प्रकार के सुख प्राप्त हो जाए वो उसके कला के बराबर नहीं हो सकता, ऐसे आत्मानंद है, पूर्णानंद है। सुषुप्ति में और एतार्ष ब्रह्म ज्ञान की समाधि में क्या अंतर है वो बता रहे। सुषुप्त तुम पदार्थ सुगम एव अनुभवती, समाधो तो तत्पदार्थ ऐक्य अनुभवेन पूर्ण सुगम एव अनुभवती इति भाव। सुषुप्ति में तम पदार्थ से परिचिन सुख को अनुभव करता है, लेकिन समाधि ब्रह्म विद्या रूपी ब्रह्म ज्ञान से उत्पन्न जो समाधि में तो तत्पदार्थ के साथ ऐक्य के अनुभव के द्वारा पूर्ण सुख को अनुभव करता है, ये अंतर है। इतश्च निवर्तेत, इस कारण से भी आपको सांसारिक विषय भोग से निवृत्त होना चाहिए। ये भाष्यकार अवतरण का दिए अगले श्लोक के लिए। मैंने वैराग्य होगा कैसे, इसे तीसरे नंबर में क्या था, काम आदियों में दोष दृष्टि देखना, वही दोष दृष्टि बता रहे। क्या दोष दृष्टि करना है आपने वो बता रहे अगले श्लोक में। ननु बाह्य स्पर्शेषु सक्ता इत्युक्ते अनुपयुक्ता, बाह्य विषयों में असक्त आसक्ति रहिता अंतकरण है, ये जो आपने कहा वह अनुपयुक्ता उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है। क्यों, ब्रह्मविदः काल विषय सुखमपि अस्तु, ब्रह्मविद्ता को भी जागृत आदि काल में विषयजन्य सुख भी होवे, बढ़िया भंडारा मिलेगा तो ब्रह्मज्ञानी को खुश नहीं होगा, सुख मिलता होगा। पूर्व पक्षी कहता है बढ़िया खाने पीना मिल जाए, बढ़िया कंबल बांट रहे हों, ब्रह्मज्ञानी के सामने भी आ गया खुश होता होगा। पूर्व पक्षी कहता है काले काले विशेष सुखमप्यस्तु ब्रह्मविदा सुगम ब्राह्मम चाप्यस्ति और ब्राह्म सुख भी होवे इत्याशंकायाम, न सिद्धांत नहीं हो सकता है। पूर्व में ही निर्द्वंद्वत्व में कह चुके हैं न प्रहर्षित प्रीति को प्राप्त क्या होगा, प्रीति विषय को प्रहृष्ट नहीं होना चाहिए और उद्विग्न भी नोद्विजित प्राप्य चाप्रियम, ये कह चुका हूँ। इसे सवाल नहीं उठता ब्रह्मज्ञानी के सामने, अच्छे से अच्छी चीज़ आ जाए वो प्रसन्न होवे, बुरे से बुरी चीज़ आ जाए दुखी होवे, ये तो हो ही नहीं सकता। विषय सुख से आद्यंतत्वेन, क्यों, ब्रह्मज्ञानी के दृष्टिकोण में क्या है वो ये जानता है ये जो विषय सुख है आद्यंत वाला है, क्षणिक अनित्य, आगमा पायनो अनित्यास तांस शिक्षस्व भारत, ये आने जाने वाला है, इसे क्या फर्क पड़ना है।
2 मिनट लगता नहीं, माला पहना दे उसके बाद उतार दो, क्या फायदा माला पहनने का, सुख परमानेंट रहेगा क्या माला? झूठे अहंकार करता आदमी, जो देखो मेरी सम्मान हुआ, माला पहना दिया, पूजा कर दिया। जो उत्तरकाशी के महात्मा थे, वो कहीं चले गए, कोई माला वाला पहना देता था, पूजा कर देते थे, तो आकर के कमरे में अपने जूता लेकर अपने को पीटते थे। कहते हैं वो तो मिला, अब ये भी लो। तो हमें पता चला, हमने कहा महात्मा जी वो तो कमरे के अंदर बंद कमरे में अपने आप को मार लेने से क्या फायदा, समाज के बीच में कोई जूता का माला पहना हुआ तब ना मजा आएगा। हुआ कल परसों की बात है, हरियाणा में चुनाव चल रहा था ना, कोई पार्टी का कोई आदमी कोई गांव में गया, लोगों ने पहले से रखे थे जूते की माला बना कर रखे, पहनाए उसको, वो भले चिल्लाया विल्लाया, ब्रह्मज्ञानी नहीं था ना, नहीं तो खुशी से छोड़, हाँ कोई बात है ये भी सही, जितने जूते के माला पे उतना वोट दे दो, बोलना चाहिए था। इसीलिए समाज के सामने को हो, तब कमरे के अंदर कुछ भी हो रहा क्या फर्क पड़ना है उसमें। मान अपमान समय कृत्वा लाभा लाभो जिया, जो समाज में हो तब ना, दुनिया के सामने अपमान हो तो भी आप मुस्कुराते रहे, सहन करें, आनंद ले उसकी भी, अपमान आनंद नहीं, मान आनंद होता है जो अपमान आनंद भी हो उसको भी आनंद रूप से देखो, तब तो ब्रह्मज्ञान की स्थिति मानी जाए। इसलिए कहते हैं विशेष सुखस्य आद्यंतवत्व, जान रहे सब आगमा पाइनी आद्यंत वाला है, दुखवत्वाद अल्पत्वाद तुच्छत्वाद, तीन चीज देख रहा है, ये दुख स्वरूप है, अल्प है और तुच्छ है। तत्रातु तत्वज्ञ प्रवर्तते न तत्रातु तत्वज्ञ प्रवर्तते, इसलिए ऐसे चीजों के प्रति आतु तत्वज्ञ जो होता है वो कभी प्रवृत्त ही नहीं होगा। ये बात बताने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय नतेषु रमते बुधः, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय नतेषु रमते बुधः। बुधः विद्वान जो जानता है अच्छी तरह से, क्या जानता है, ये ही संस्पर्शजा भोगा, जो संस्पर्श से जन्य विशेष सुख जो होता है भोग, वे सब कैसा है, दुख के ही मूल कारण है, दुख का योनि है वो, दुख के ही कारण है वो, लगता है सुख लेन देंगे अंत में दुख, ये वो जानता है। और ये भी जानता है ते आद्यंतवंत, ये आद्यंत वाला है, शुरू है तो समाप्त भी हो जाने वाले हैं, विनाशी ही है, इसलिए तेषु बुधः न रमते, उनमें बुध विद्वान जो ब्रह्मज्ञानी रमण नहीं करता, हे कौन्तेय संबोधन है ही करते। यस्मात् ये संस्पर्शजा विशेन्द्र संस्पर्शेभ्यो जाता भोगाः भुक्तयः, विशेन्द्र संपर्क से उत्पन्न होने वाले जितने भी क्षणिक सुख है भोग है वे भुक्तियां, वे कैसे हैं, दुख योनयेव ते अविद्याकृतत्व, कैसा अविद्याकृत होने के नाते ये सब दुख के ही कारण ही है। दृश्यन्ते ही आध्यात्मिक आदि दुखानि तन्निमित्तान्येव, इस श्लोक में देखने को मिलता है आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक जो दुख है वो सब अविद्या निमित्त की है, यथा यह लोके तथा परलोक है, जैसे इस लोक में वैसे परलोक में भी है। यदि गम्यते एव शब्दात, एव शब्द से
भगवान ने संकेत कर दिया, जैसे इस लोक का सुख को आद्यंत वाला क्षणिक वगैरह मान रहे हो, अविद्याजन्य मानते हो, यूँ नहीं समझना स्वर्ग का सुख शाश्वत है, अविद्याजन्य नहीं है, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ है वैसे वहाँ पर इत्येव तथा अमूत्र उपनिषद भी कहता है, जैसे यहाँ है वैसे ऊपर के लोकों में भी जो सुख है वह क्षणिक होगा, दुख का कारण होगा। न संसार सुख से गंध मात्र अप्यस्ति, इस संसार में सुख का लेश मात्र भी संभावना नहीं है। गंध मने लेश, किंचित अपि सुख की संभावना नहीं है यहाँ। इति बुद्ध्वा यह जान करके विषय मृग दृष्टिकाया इंद्रियाणि निवर्तेत, विषय मृग विषय रूपी मृग दृष्टिकाओं से इंद्रियों को हटा देनी चाहिए। न केवलम दुख योन एव, यह केवल दुख युग के कारण ही नहीं है, किंतु आद्यंतवंतश्च आदिर विषेन्द्र संयोगो भोगानाम अंतश्च तद्वियोग। आदि क्या है? विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग का नाम आदि, और जन्य जो सुख का अंत हो गया, भोग का अंत हो जाना, तद्वियोग एव। अतः आद्यंतवंतो अनित्या मध्य क्षण भावित्वात्। कहने का मतलब आद्यंत वाले हैं का तात्पर्य अनित्य है, बीच में दिखाई दे रहे, पहले नहीं थे, आदवंते चेन्नास्ति वर्तमान पे तत्त था, पहले नहीं बाद में नहीं, इस बीच में कुछ क्षणों के लिए अनुभव मात्र में आते हैं। हे कौंते यो न तेषु रमते बुधो, इसीलिए तेषु भोगेशु उन भोगों में ये जो बुध है विवेकी है, कैसा विवेकी है? अवगत परमार्थ तत्व। न तेषु रमते बुधो भोगेशु, बुध की व्याख्या विवेकी, विवेकी की व्याख्या और स्पष्ट करते लिख रहे अवगत परमार्थ तत्व, जिसने परमार्थ तत्व को सम्यक जान लिया है, अनुभव कर लिया है। अत्यंत मूढ़ा नाम ए वही विशेषो रति दृश्यता है, जो अत्यंत मूढ़ है उन्हीं लोगों में क्या देखने को मिलता है? विषयों में रति दिखाई देता है, यथा पशु प्रवृत्ति नाम, इसे पशु आदियों में देखने को मिलता है। ये ही थी संक्रांति टीका। ये मैंने यस्मात् कारणा, जिस कारण से संस्पर्शजा इंद्रियाणाम विषयाणाम च संस्पर्श, इंद्रियों के और विषयों के जो संस्पर्श है, परस्पर संयोग हो, जो परस्पर संयोग है, तस्मादेव जायन्ते इति संस्पर्शजा, ये सब इसी उसी से ही उत्पन्न होते हैं, इसे इनका नाम संस्पर्शजा कह दिया गया। इंद्रियार्थ संपर्क संभाविता, कहने का अभिप्राय इंद्र विषयों का संबंध से संभावित जो भोगा, ये भोगा मन विषय सुखानी ते, वे सब कैसे हैं? आद्यंतवंत उत्पत्ति विनाशवंत, उत्पत्ति विनाश वाले, अतएव अनित्य क्षणिका इत्यर्थ, इसलिए अनित्य है अर्थात क्षणिक है, इसका तात्पर्य हुआ। संस्पर्श जायते जन्यत्व हेतुना एव अनित्यत्व सिद्धे, संस्पर्श जा ज है ना जन्य, जन्य का मतलब ये अनित्य होता ही है, उसे अनित्य तो निश्चय हो गया जो जन्य अविनाशी है। जायते अनंत में क्या होता है? विनश्यति। जायते अस्ति वर्धते प्रणवते पक्षीयते विनश्यति, षड भाविकार है, जो भी जन्म है वो तो मरना ही है, उसका नाश होना ही है। तो फिर जब जब तय है संस्पर्श जा मैं जन्यत्व के हेतु से ही अनित्यत्व सिद्ध हो गया, फिर दोबारा विषय करने क्या जरूरत थी? पुनराद्यंत बनते ही थी, पुनराद्यंत थी वचनम निरर्थकम इति न मंतव्यम, निरर्थक ऐसी आशंका न करें। क्यों? तार्किक गए प्रध्वंसा भाव से जन्यत्व नित्यत्व च अंगीकृतम, तार्किक लोग क्या मानते हैं? प्रध्वंसा भाव को जन्य होते हुए भी नित्य रहेगा, एक बार जिसका ध्वंस हो गया उसका पुनर्ध्वंस संभव नहीं, घट नष्ट हो गया, अब घट ध्वंस को फिर ध्वंस करोगे क्या? ध्वंस का ध्वंस नहीं होता, अतः ध्वंस क्या हो गया? नित्य, ऐसा उनके मत में है। उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए आद्यंतवंत कहना पड़ा। प्रध्वंसा भावस्य जन्यत्व से नित्यत्व मंगीर्दम,
मीमांसकैरपी, मीमांसक भी चातुर्मास सृष्टि जन सुख को अक्षय माने हुए हैं, उसका खंडन करना था। अक्षयम भवई चातुर्मास या जन सुकृतमिति तजन्य सुखस्यापि अक्षयत्वम् रूढ़ीकृतम्। इस प्रकार से चातुर्मास सृष्टि से जन्य जो सुख है उसको अक्षयत्व स्वीकार किए हैं। तन निरसितुम आद्यंतवंत इत्युक्तम्, उन पक्षों का निराश करने के लिए, खंडन करने के लिए आद्यंतवंत शब्द प्रयोग किया गया। तेन विषय सुखस्य क्षणिकत्वम अल्पत्वं च, इस प्रकार से विषय सुख का क्षणिकत्व और अल्पत्व ये दोनों ही सिद्ध हो गया। प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्धम, यह प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही सिद्ध। विषेन्द्र संयोगात पूर्व तद्वियोगात पश्चात सुखादर्शनात्, के विषेन्द्र संयोग से पहले और उनका वियोग के बाद में जो सुख नहीं देखने को मिलता है। ये आद्यंतवंत भोग, इस प्रकार जो आद्यंत वाले भोग हैं ते दुख योनयो दुख हेतवेव भवन्ति, दुख के कारण हो जाएंगे। स्वकारणनाशे स्वनाशे स्वकारण सिद्धो स्वसिद्धो च यस्मात् दुःखमेव प्रेच्छन्ति। चार प्रकार से दुख दे सकते हैं, या तो स्वकारण का नाश हो जाए, भाई इंद्रिय विषय सज्जन सुख का कारण क्या है, विषय, इंद्रिय विषय का संबंध से सुख पैदा हुआ और सुख के प्रति कारण कौन होगा, इंद्रिय और विषय। अब विषय नष्ट हो जाए या जिस इंद्रिय से विषय भोग कर दे, इंद्रिय नष्ट हो गया, अब क्या करोगे। एक आदमी अपनी शादी की बहुत सुंदर पत्नी को ले आया, सुबह दोपहर शाम रात दिन भर कई बार देखते रहता था, बड़ा सुख अनुभव होता था उसको, उसको चेचक की बीमारी हो गई, स्मॉल पॉक्स होता है, उस आंग चले गए, अंधा हो गया। अब अंधा अब देख ले पत्नी को, सुख पावे, इंद्रिय नष्ट हो जाए तो भी वो सुख गया, विषय नष्ट हो जाए तो भी सुख गया। इसलिए सुख के कारण का नाश से स्व कारण नाशे अथवा स्वनाशे वा स्व का नाश विषय का नाश हो जाए, अथवा स्व कारण के असिद्ध हो स्वसिद्धो च, या कारण ही असिद्ध हो गया अथवा वस्तु भी असिद्ध हो जाएगा तो सुख नहीं मिलेगा। यस्मा दुःखमेव प्रचिति, जिसे दुख को ही प्राप्त करता है, तैदम सर्वलोक प्रसिद्धम, यह बात सर्वलोक प्रसिद्ध है। तस्मात् विषय सुख से सापेक्षत्वम क्षणिकत्वम अल्पत्वम दुःखदत्तं च विज्ञाय, इसलिए विषय सुखों में चार चीज ध्यान रखना, एक तो वह सापेक्ष है, दूसरा क्षणिक है, तीसरा क्षुद्र है, चौथा दुख देने वाला है। ये दोष देख करके विषय सुखों से हटना चाहिए। विज्ञाय बुधो भ्रमित तेषु विषय सुखेषु न रमते रतिम न करोति, यह जानता हुआ बुध जो भ्रमित विवेकी उन विषय सुखों में इसलिए भ्रमण नहीं करता। भुक्ति दशायामपि स्वयं स्वदृष्ट्या ब्रह्मानामृतरसमेव पिबति न बाह्य मनुसंजति इत्यर्थ। विशेष भोग हो रहा है, बढ़िया भोजन आदि मिला, खा रहा है उस समय भी, लेकिन वह उस विषय का सुख नहीं अनुभव करता। भुक्ति दशायामपि स्वयं स्वदृष्ट्या ब्रह्मानामृतरस को ही वह अनुभव करता है, न बाह्य अनुसंधत्ते, बाह्य का अनुसंधान वह नहीं करता इत्यर्थः। इपान कामेषु दोष दर्शनम आह यही इत्यादि ना, काम्य पदार्थों में दोष दर्शन यही तीसरा है, निर्द्वंद्वत्व निसंगत और काम्य में दोष दर्शन। दोष दर्शनम स्वार्थ सिद्ध्यर्थश्चेत् तर्रि द्वेषकारक, यही दोष दर्शन अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए कर रहे हो, फिर उसका फल क्या होगा, द्वेष पैदा हो जाएगा। आप किसी में दोष देख रहे हो अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए, उस वस्तु के प्रति आपके अंदर द्वेष पैदा हो जाएगा, ये भी अनुचित है। इसे जान के बता रहे हैं,
यदि हम दोष दर्शन कर रहे हैं, किसी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहा हूं, फिर तो द्वेष का कारक होगा। यदि विवेक से कर रहे हो तो विवेकाचेत वैराग्यार्थम भवति, उसे वैराग्य मिलेगा। ये अंतर है। दोष दर्शन करना, यदि हम विवेक पूर्वक दोष दर्शन कर रहे हैं, जैसे लोक व्यवहार में देखने को मिलता है, पति पत्नी में दोष देख रहा है और पत्नी पति में दोष देखती है, तो क्या होता है, आपस में द्वेष हो जाता है। और पत्नी यदि दूसरे लड़के से बात करने लग जाए तो उसकी क्यों बात कर रही थी, आज के बहुत ज्यादा सूर्ति बढ़ती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, गुस्सा होता है, द्वेष पैदा होने लगता है। इसे रागता दोष देख रहे हो आप, राग मैंने स्वार्थ मैंने रागता अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए दोष देखते हो, उस वस्तु के प्रति आपका द्वेष जरूर पैदा हो जाएगा। यदि विवेक पूर्वक दोष देख रहे हो, विवेक क्या, ये अभी जो बताया चार नियम बता दिया था आपको कि उसमें क्या क्या है, क्षणिकत्व है कि नहीं, दुख प्रदत्व है उसके अंदर, वो दुख देने वाला चीज है, वो क्षुद्र है वो और सापेक्ष है वो। यह विवेक पूर्वक तुम देखोगे तभी द्वेष किसी वस्तु के प्रति नहीं होगा, बल्कि उसके द्वारा मिथ्यात्व दृढ़ हो जाएगा आपको। वैराग्यार्थम बहुत ही दोषाश्च प्रमुखता पंचैव सर्वस्तुषु, दोष भी अधिकतर पांच ही माना गया है सकल वस्तुओं में। अर्चने दुःखम, रक्षणे दुःखम, क्षये दुःखम, भोगे दुःखम, हिंसा चैति। अर्जन करने बड़ा पसीना छूटता है, ऐसे थोड़ी कमाई होती है, कमाई के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बुद्धि से भी, शरीर से भी, वाणी से। अर्जन करने में दुख है, अर्जन किए गए रक्षा करने में भी दुख होता है, खर्च होता है, परेशानी, बचा कहाँ रखें, इनकम टैक्स वाले रेड कर देंगे ज़्यादा हो जाए तो, नहीं तो चोर लोग घुस जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड लगाओ, बड़ा मुश्किल काम है, रक्षा करना भी मुश्किल है, वो भी दुखदायक है। क्षय होने पर तो दुख होना ही है, इसलिए सेठ लोग क्या करते हैं, दुकान खोलते हैं, गला में हाथ यू करते हैं, अब ये हाथ करते हैं, हे मैया यहीं रहना, लक्ष्मी को बोलते तुम यहीं रहो, और आंख में हाथ क्यों लगाते हैं, इसलिए कि यदि तुम्हें जाना भी हो तो मेरे सामने नहीं जाना, मेरे को जानकर ही ना हो, ऐसे तू चली जा, सामने चली जाएगी तो बड़ा दुख होगा। पहले कहेंगे तुम यही रहो, ये जाना ही है तो आंख बंद कर, मेरे सामने नहीं जाना, क्षय में बड़ा दुख होता है कि कठिनाई से अर्जन किया, कठिनाई से रक्षा की और फिर भी वो खत्म हो रहा है तो दुख होगा ही उसको। भोगे और भोग में लगा दो तो भी अंत में क्या मिलेगा, भोगे रोग भयम, वैराग्य शतक में लिखा है ना, भोगे रोग भया, रोगादि की भय रहता है, रोगादि कारकत्व, और अंत में हिंसा भी होगी। आपके पास जितनी भी धन दौलत रहेगा उसे दूसरों के प्रति हिंसा हो रही है, दूसरा देख देख के जल रहा है, ऐसा मानसिक कष्ट आप दूसरे को दे रहे हैं, अपने ऐश्वर्य प्रदर्शन से दूसरे को दुखी कर रहे हैं, ये हिंसा हो गई कि नहीं हो गई। और ऐश्वर्य का घमंड रहता है, दूसरे वाणी से भी कट दोते हो तो तड़ाके से बात करने लगेगा, इज्जत मान सम्मान बात भी नहीं करेगा, वाचिक हिंसा भी हो गई, शारीरिक हिंसा भी कर देगा वो, इसे अंतिम उसका है हिंसा में अंत हो जाता है उसका। इसलिए ये पांच दोष देखना चाहिए विषयों में। सांख्यकारिकार ने इन्हीं पांचों को अलग नाम से लिया है, क्रमांक 50 सांख्यकारिका
क्रमांक 50 है कारिका में, एतान गणयति नामांतरैहि, क्या कहा उन्हें नाम, पारम अपारम पारापारम अनुत्तमांभ उत्तमांभ, इस नाम से इन पांच दोषों को गिनाया है। एव कारेण परलोके भी भोगा दुख योनयेव इति निर्धार्यते, दुख योनय एवते, ये एवकार जो कहा गया है यह बात को बताने के लिए है कि परलोक में भी सकल भोग दुख के कारण होते हैं। खत्म, यह तो ही विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में कहा है, यावंतो कुरुते जंतु संबंधान मनस प्रियान तावंतो सिरिखन्यन्ते हृदय शोक संगवः, जितना ये जीव मनस संबंधात मन के संबंध से प्रियान गुरुते प्रिय विषयों को पैदा कर लेता है, बना लेता है, तावंत अस्य हृदय उसके हृदय में उतनी ही शोक रूपी शंकु निखन्यन्ते उखड़ते जाते हैं। शंकु मने कील, अंदर में कील के जैसे चुभने का दर्द है वैसे दर्द होने लगता है, कष्ट होता है कहने का अभिप्राय, दुख होता है। योग सूत्र सूचा, योग सूत्रकार ने भी क्या कहा, विवेकी के लिए सब कुछ दुख रूप ही है, प्रणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः, योग सूत्र है। योग वासिष्ठ में भी कहा गया, संपद प्रमदाश्चैव तरंगोत्संग भंगुर कस्तासु अयिफणाच्छत्र छायासु रमते भुदः, योग वासिष्ठ में कहा संपत्ति और प्रमदा माने सुंदर कन्याए, प्रमदा कदे स्त्री को माने कामिनी और कांचन, रामकृष्ण परमहंस जी की भाषा में क्या है, कामिनी और कांचन, संपद माने कांचन, कामिनी हो गया प्रमदा, ये दोनों क्या है, तरंगोत्संग भंगुर, जैसे नदी में तरंग उठा कोई चीज सुंदर सामने आ गया डुबकी में सब खत्म हो गया चला गया, वैसे ये हाल इन सब की, आते जाते रहते हैं, इनका कोई ठिकाना ही नहीं है, और इसमें सुख पाना उसी प्रकार का सुख है जैसे कस्तासु अहि फण छत्रवत छायासु, इनमें ये कैसे हैं, जैसे कोई आदमी सोया है धूप में और उसके सांप आ गया और फण खोल दिया, हाँ आपको लगेगा कितना अच्छा हो गया, बढ़िया नींद आ गई, नींद आए तो मक्खी आया आपने हाथ यूं कर दिया, अब लग गई सांप को चोट, उसने मारा भाई खत्म, कितने देर के लिए सुख था, अही फण मने सांप का जो फण है उसकी छाता की छाया का सुख कितना देर तक मिल सकता है बताओ, वही हाल इस संसार के विषयों का सुख है, कब डसेंगे, कब आपको नष्ट कर डालेंगे, कब आपको नीचा गिराएंगे, कोई भरोसा नहीं, क्षणिक सुख के पीछे आदमी भागता है, जिस स्त्री से सुख पाता है वो स्त्री उस आदमी कितनी बेइज्जती करती है इसे कोई ठिकाना ही नहीं है, सबके सामने भी कर देगी, समाज के सामने कर, कोई भरोसा नहीं उसके मूड की बात है, और आज जब आ जाता है करवा चौथ आरती उतारने भी लग जाएगी, ये औरत की शान है, ये आदमी का भी हाल है, जब उसे सुख चाहिए उसको बढ़िया प्रेम से पटा लेता है, और जब नहीं चाहे तो उसको पिटाई भी कर देगा, इसे क्या फायदा, ये सब वैसे ही संसार चलता है, इसलिए इन विषयों के प्राप्त और क्षणिक सुख से व्यक्ति विरक्त हो जाना चाहिए। कौन्तेय संबोधन है ना स्त्री स्वभावाद अदीर्घ दर्शी अत्यंत मूढ़ता युक्ता एव, जो कौन्तेय ज्ञापन कर रहे हैं संबोधन से, स्त्री का स्वभाव है अदीर्घ दर्शी हुआ करती है और अत्यंत मूढ़ता से युक्त भोगों में लिप्त होती है,
ಅಥವಾ ರತಿರಹಿತಾಯ ಕುಂತ್ಯ ಅಥವಾ ರತಿರಹಿತ ಕುಂತಿಗೆ ಸಮಾನ್ ಪುತ್ರಸ್ತ್ವಂ ಅತಏವ ತೇಷು ರಂತುಮ ಅಯೋಗ್ಯೋಸಿ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಮರಮಣಕರ ಯೋಗಿತ್ವಂ ನಯೋ ಇತಿ ಬೋಧಯತಿ. ಮತ್ಸ್ಯವನ್ ಮಾಭೂತ್ ಇತಿ ಭಾವ, ಮತ್ಸ್ಯ ಮಚ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನ್ ನಾ ಹೋ ಏಸ್ಕತ್ತ.